नमस्कार मेरे साथियों, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आरंभ ग्रीक क्लास पर सभी का स्वागत है। और आप इंतज़ार कर रहे होंगे शायद की क्लास क्यों नहीं आई, तो मैं मेरे पर्सनल काम से बिजी था इसलिए क्लास नहीं डाल पाया। और आगे जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलते जाएगा मैं प्रतिदिन क्लास अपलोड कर दे जाऊँगा। तो चले क्लास जैसा माहौल बना देते हैं आपके लिए, जैसे कि आप क्लास में बैठे हो, क्योंकि आजकल बोलते हैं ना कि बिना कुछ किए तो कुछ होता नहीं, कुछ करने के बाद ही कुछ मिलता है। या तो आप टाइम दो, टाइम देने के बाद आप सुपरवाइजर जरूर बन जाओगे। तो मैं आपके सामने लेके आया हूँ बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी, जिसके 20 क्वेश्चन यानी कि 20 प्रश्न आपके पशुपालन से आने वाले हैं कृषि सुपरवाइजर में। और ये पेपर को आपको मतलब सबसे साधारण और सबसे इजी पार्ट यही है, और सिलेक्शन करवाने में भी सबसे ज़्यादा भूमिका इसी की रहती है, क्योंकि एग्रोनॉमी का भी कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, सोयल साइंस का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, हॉर्टिकल्चर का भी, क्योंकि उनमें चेंज होता रहता है। लेकिन पशुपालन डिपार्टमेंट या पशु के बारे में अपन जानकारी करें, एनिमल के बारे में, तो इसमें बहुत कम चेंज अपने को देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस शानदार टॉपिक के साथ में, जो कि पशु गणना से मैं स्टार्ट करूंगा। और यहां से क्वेश्चन राजस्थान जीके वाले पोर्शन में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सर्वाधिक गोवंश कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, या पशु गणना कौन सी है, मतलब फैक्ट वाले क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। और वो मतलब बहुत ही साधारण क्वेश्चन होते हैं, उनका जवाब देना अपने को केवल डेटा याद रखना होता है। तो ये लिख देखिए आप, इसमें दे रखा है इसने कि पशु गणना से संबंधित कुछ विशेष जानकारियाँ हैं, सर्वाधिक पशु संपदा राजस्थान का दूसरा स्थान है। ये याद कर लेना कि राजस्थान में पशु संपदा के अनुसार कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान। वैसे पहले स्थान पर भारत में उत्तर प्रदेश है, पशु संपदा के भारत का दूसरा राज्य, प्रथम राज्य तो है उत्तर प्रदेश और दूसरा राज्य है राजस्थान। आप कॉपी पेन जरूर लेके बैठे, क्योंकि ये फैक्ट बाद में आपको नहीं मिलने वाले, क्योंकि क्लास में तो आप जैसे देख रहे हो ना, तो एक बार नोट कर लो इन चीज़ों के, दोबारा आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो राजस्थान का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान। पशु संपदा राजस्व मंडल, यहाँ ये लाइन देख लेना, पशु संपदा राजस्व मंडल स्थापना 1 नवंबर, क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि पशु संपदा राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई, 1 नवंबर 1949 को अजमेर में की गई। यह पूछ लेगा हेडक्वार्टर कहाँ है, पशु संपदा मंडल का हेडक्वार्टर कहाँ है, स्थापना, तो ये स्थापना वर्ष और ये इसका हेडक्वार्टर अजमेर में, इसकी सहायक शाखा राज्य की राजधानी जयपुर में भी है, यानी कि 2 शाखाएं हैं। प्रति 5 वर्ष के बाद राजस्थान में पशु गणना राजस्व मंडल की देखरेख में की जाती है, यानी कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में पशु गणना की जाती है, यह याद रखना, क्या की जाती है, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में पशु जनगणना की जाती है और वो राजस्व मंडल अजमेर के देखरेख में की जाती है। ये भी टॉपिक मतलब आप नोट कर लो, ये चीज़ें एक एक पॉइंट की चीज़ें हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा आता है। राजस्व मंडल का प्रथम अध्यक्ष 1949 में ब्रजेंद्र नाथ शर्मा को बनाया गया था, हो सकते हैं आरपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है तो अधीनस्थ चयन भी पूछ सकता है। हर 3 महीने बाद राजस्व मंडल द्वारा रावीरा नामक पुस्तक जारी की जाती है, ये रावीरा नामक पुस्तक जारी की जाती है, जिसे पशु संबंधित जानकारी प्रकाशन किस पुस्तक में होता है, ये लिख लेना। पशु संबंधित जानकारी किसानों को प्रति 3 महीने में कौन सी पुस्तक में देखने को मिलती है, तो वह है रावीरा नामक, जो कि राजस्व मंडल द्वारा प्रत्येक 3 महीने बाद में जारी की जाती है। राजस्थान में पहली बार पशु जनगणना सन 1919 और 20 के मध्य की गई। राजस्थान में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई, 1919 और 1920, ना कि 2020, याद रख लेना। राजस्थान में पहली बार पशु जनगणना 1919 और 1920 में जयपुर, टोंक, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर रियासतों में कराई गई, यानी कि देश आज़ादी से पहले की बात है, याद रख लेना कि राजस्थान का एकीकरण से पहले की बात है।
1919 और 1920 जयपुर, टोंक, बूंदी, जोधपुर और बीकानेर रियासत में पशु जनगणना करवाई गई थी। देख लो कितना एडवांस था उस टाइम पे भी राजस्थान या राजस्थान के लोग। भारत की आज़ादी के बाद पहली पशु गणना 1951 में हुई, यानी कि आज़ादी के बाद सर्वप्रथम पशु जनगणना कब हुई, तो 1951 में हुई। राजस्थान में 20वीं पशु गणना जुलाई 2017 से प्रारंभ हो चुकी है। कौन सी 20वीं पशु जनगणना जुलाई 2017 से हुई। 2012 में याद रखना, 2012 में 19वीं पशु जनगणना की गई थी, जिसके अनुसार राजस्थान में कुल 77 करोड़ पशु है। कितने हैं 20वीं जनगणना 19वीं नौ की 20वीं 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान का कुल पशुधन है 77 करोड़। 19वीं पशु गणना अनुसार राजस्थान में सबसे ज़्यादा पशु बकरी है, ये इम्पोर्टेंट कर लेना। मतलब 19वीं पशु जनगणना अनुसार सर्वाधिक पशु कौन से हैं, तो बकरी आएगा आपका। पशु गणना से पता चलता है कि सबसे ज़्यादा पशु वाला जिला बाड़मेर है। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला या सभी पशुधन, यानी कि सभी प्रकार के पशुधन, बकरी, भेड़, ऊंट सब इसमें आ गए, तो सर्वाधिक पशु वाला जिला बाड़मेर है, वहीं सबसे कम धौलपुर में है। ये नोट कर लो ये लाइन, सर्वाधिक कम और सर्वाधिक अधिक ही होता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊंट बाड़मेर में और सबसे कम प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। ये करंट है, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है, ध्यान रखना। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट बाड़मेर में, सबसे कम प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। भारत में भेड़ भी बाड़मेर में मिलती है, वहाँ सबसे कम बांसवाड़ा में भेड़ है, सबसे कम बांसवाड़ा में पाली जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियाँ बाड़मेर में मिलती हैं, वहीं सबसे कम धौलपुर जिले में मिलती है। सबसे ज़्यादा भैंसें जयपुर में, सबसे कम जैसलमेर में पाई जाती हैं। उदयपुर में सर्वाधिक गायें मिलती है। ये क्वेश्चन पहले बार भी आया हुआ था, राजस्थान में गोवंश सर्वाधिक पाया जाता है, तो उदयपुर आंसर होगा। राजस्थान में गोवंश सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो उदयपुर में सर्वाधिक गायें मिलती हैं, वहीं इसके विपरीत धौलपुर में सबसे कम गायें पाई जाती है। बीकानेर जिले में सबसे ज़्यादा घोड़े और डूंगरपुर जिले में सबसे कम घोड़े देखने को मिलते हैं। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन भारत में होता है। दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है, जिसे राजस्थान यानी कि भारत के अंदर राजस्थान दूसरे नंबर पे है और भारत विश्व में पहले नंबर पे है। राजस्थान का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है, पर दूसरा स्थान है, जबकि भारत में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन जयपुर जिले, सर्वाधिक दूध उत्पादक वाला जिला है जयपुर, और सबसे कम दूध बाड़मेर जिले में होता है। राजस्थान की सबसे पहले डेयरी का नाम है पद्मा डेयरी, जो अजमेर में स्थित है। नोट कर लो भाई, राजस्थान की प्रथम डेयरी पद्मा डेयरी अजमेर में स्थित है। राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी जिसका नाम सरस डेयरी है, और हाल ही में अशोक चांदना द्वारा एक गौशाला, नंदी गौशाला का उद्घाटन किया गया है, जो कि हिंडोली और डिस्ट्रिक्ट बूंदी में है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। हाल ही में सबसे मतलब दूसरे नंबर की जो पशु गौशाला होगी, मतलब जो नंदी गौशाला, वो हिंडोली और डिस्ट्रिक्ट नैनवा में स्थापित हो, उसका उद्घाटन कर दिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटा सा परिचय है, अपन मुर्गी पालन वाला टॉपिक से कवर करेंगे सबसे पहले, तो इस पे आ जाइए सीधे मुर्गी पालन के टॉपिक पर। एक छोटा सा परिचय है, मांस अथवा अंडे की प्राप्ति के लिए मुर्गी तथा बतख टर्की, बतख आदि पक्षियों का पालन मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन पोल्ट्री फार्म कहा जाता है। पोल्ट्री फार्मिंग कहा जाता है। मुर्गी पालन में क्षेत्र लगभग 3 करोड़ लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार लेते हैं। क्या करते हैं लगभग कितने लोग, लगभग 3 करोड़ लोग
मुर्गी पालन से या उसके रोजगार से जुड़े हुए हैं। 2019 की जनगणना अनुसार भारत में कितना 2019 की जनगणना अनुसार भारत में 851.21 मिलियन इनकी 86.18 करोड़ मुर्गियां और प्रतिवर्ष 114 बिलियन इनकी 11,400 करोड़ अंडा उत्पादन करती है। ये 2019 की जनगणना अनुसार, यहाँ देख लो, 2019 की जनगणना अनुसार भारत में कितना करोड़ तो मुर्गियां हैं, 85.18 करोड़ है, जबकि 114 बिलियन यानी कि 11,400 करोड़ अंडा उत्पादन। अंडा उत्पादन भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। अंडे उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। मुर्गी पालन के बेनिफिट क्या है, इसके लाभ क्या है? फर्स्ट अगर स्टेटमेंट दे देता है, आजकल क्वेश्चन पूछने का ट्रेंडिंग अलग आएगा, ये याद रख लेना, लाइनें उठा कर नहीं पूछेगा कि मुर्गी पालन का लाभ क्या है, तो कम लागत है, कम समय में अधिक लाभ हो जाता है, चिकन की बढ़ती मांग, यानी कि ये तो अभी करंट फैक्टर है जो मैंने कल परसों फेसबुक पे डाला था, यानी कि 100 में से 4 व्यक्ति वेज है और 95% यानी कि 5% लोग तो क्या करते हैं, इधर नॉर्थ की अलग बात है लेकिन साउथ इंडिया में है ना, इधर केरला हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटका, इनके अंदर चिकन की इतनी डिमांड है क्योंकि यहाँ का हर दूसरा व्यक्ति चिकन खाता है और इसमें कोई शक नहीं है, इनका हैबिट है, तो इसलिए चिकन की डिमांड बढ़ रही है एवरी डे, प्रत्येक दिन, फिर भी सप्लाई इनकी कंप्लीट नहीं होती है, तो ये एक बहुत बड़ा रोजगार स्थापित हो रहा है इंडिया के अंदर। और अपन देखते हैं कि राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब, इनकी जो भेड़ बकरी प्रोडक्शन है ना, उनका 80% साउथ इंडिया में आता है। कितना परसेंट? 80% पशुधन का जो चिकन के लिए, मांस के लिए, मटन के लिए जो यूज करते हैं, ये सारा नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में भेजा जाता है। इसलिए क्या है, एक प्रकार से जिसे अब उधर भी मुर्गी पालन भी है या अंडे उत्पादन भी है, तो भी उधर सा उधर कम है इनको खाने की, नॉन वेज खाने वाले संख्या उधर कम है, इसलिए इधर ट्रांसफर करते हैं। चिकन की बढ़ती मार्केटिंग या मांग बोल सकते हैं, आसानी से उपलब्ध बाजार, ये क्या है, आप कहीं पर भी मुर्गी पालन कर सकते हो और इसको सेल भी कर सकते हो। मीट में कोलेस्ट्रॉल की कम मात्रा, ये चीज़ फैक्टर है, कोलेस्ट्रॉल की कम मात्रा पाई जाती है। मुर्गियों में खाद भी बाजार में अच्छी कीमत, यानी कि पोल्ट्री करने वाला उसका जो अगर वो खेत पे करता है तो उससे जो खाद बनती है ना, उनमें कैल्शियम और सल्फर और फास्फोरस इतनी मात्रा में पाया जाता है जिससे पौधे सीधे ही उनको नाइट्रोजन, यूरिया, SSP देने की बहुत कम जरूरत पड़ती है, और मुर्गी की खली अगर आप खेत में देते हो तो उनको बहुत ज़्यादा पौधे को लाभ मिलता है। तो आप ये चीज़ भी नोट कर लेना कि क्यों है मुर्गी की खाद, क्योंकि उसमें कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर की मात्रा प्रचुर मात्रा में पौधों को मिल जाती है। अतिरिक्त आय प्रदान करने के साथ साथ परिवार के सदस्यों को पौष्टिक आहार, उच्च गुणवत्ता एवं प्रोटीन है कि जो खाते हैं उनके लिए ये लाभकारी है। मुर्गी पालन व्यवस्था क्या है, जनसंख्या वृद्धि तेजी से शहरीकरण, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, उत्पाद की उपलब्धता, मांग, आज के समय में बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, रोजगार का माध्यम, इनकी मुर्गी पालन एक रोजगार देने का माध्यम बन चुका है। पिछले 4 दशकों में मुर्गी पालन व्यवसाय क्षेत्र में शानदार विकास है, इसके लिए बैंक लोन ले सकते हो आप। वर्तमान में प्रति व्यक्ति वार्षिक 180 अंडा उत्पादन की मांग के मुकाबले, ये नोट करो कि वर्तमान में यह है, भारत की दृष्टि में है, ध्यान रख लेना, राजस्थान की दृष्टि में नहीं है। वर्तमान में प्रति व्यक्ति 100 अंडे की मांग, एक व्यक्ति के लिए कितने अंडे चाहिए, वार्षिक 180 अंडे चाहिए, जबकि 86 अंडों की ही उपलब्धता है, तो इतनी बढ़ानी है अपने को। इस प्रकार प्रति व्यक्ति वार्षिक 11 किलोग्राम मीट, यानी कि एक व्यक्ति के लिए प्रति वर्ष 11 kg मीट, मुकाबले केवल 3 किलो ही वर्तमान में उपलब्ध है, तो ये चीज़ बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन को अधिक महत्व दिया जा रहा है और इससे अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं लोग। मुर्गी पालन के प्रकार, ब्रॉयलर मीट के लिए, लेयर अंडों के लिए,
कोइडर, अंडो और मीट दोनों के लिए। अब ध्यान रखना आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्रॉयलर का क्या यूज है, उधर सामने टिक करना होगा मीट के लिए, लेयर का क्या काम है अंडे के लिए, या क्रॉयलर, तो इसका मीट व अंडो दोनों के लिए पाली जाने वाली मुर्गी को क्या कहा जाता, पशुपालन को क्या कहा जाता है। मतलब समझना कि अंडे व मीट दोनों के लिए जो व्यवसाय किया जाता है मुर्गी पालन से संबंधित, तो उसे क्या कहा जाता है, क्रॉयलर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, क्रॉयलर, लिख लो, नोट करो, ब्रॉयलर, उसके सामने टिक करो मीट के लिए, ब्रॉयलर सामने टिक कर लो मीट के लिए, सॉरी मीट के लिए। दूसरा लिखो लेयर, लेयर अंडों के लिए, ओनली लेयर का क्या है, उनको बेचते नहीं यानी कि उनको मारते नहीं है, और इनका उपयोग केवल अंडों के लिए किया जाता है, तो लेयर का उपयोग अंडों के लिए, क्रॉयलर, तो यह अंडा व मीट दोनों के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मुर्गी पालन के प्रकार ये आपको देख रहा है बिल्कुल, ब्रॉयलर का क्या काम है, लेयर का क्या काम है, और देसी क्या होती है, ये तीन चीजें हैं। ब्रॉयलर अधिक शारीरिक वृद्धि दर, मतलब जो डायरेक्ट मांस के लिए सेल करेंगे तो उसका अपन को क्या वजन से अपने को मतलब है, उसका वजन ज्यादा बढ़ना चाहिए, वृद्धि उसके शरीर की ज्यादा होनी चाहिए ना, क्योंकि मीट तो वजन से कैलकुलेट करते हैं ना उसका प्राइस, तो ब्रॉयलर क्या होना चाहिए, सुपर फास्ट ग्रोथ, यानी कि ऐसा ब्रीड होना चाहिए या ऐसी मुर्गी होनी चाहिए जिसकी जल्दी ग्रोथ हो और उसका शरीर का भार ज्यादा बढ़ जाए। इसके लिए उनको अच्छा पोषण भी देते हैं, जैसे मक्का खिलाते हैं, अन्य चीजें भी आती है जो उनको उनके पोषण के लिए खिलाते हैं। लेयर अधिक अंडा उत्पादन व कम शारीरिक वृद्धि, दोनों में बहुत फर्क है, चीज को समझना आप, कि लेयर अधिक अंडा उत्पादन, क्योंकि उससे अपन को अंडा चाहिए, क्या चाहिए, अंडा चाहिए उसे, तो अंडे के लिए उसको कम खाना देना पड़े अपन को, उसका शरीर हल्का हो और शारीरिक वृद्धि दर कम हो, ठीक है। देसी पाओ कम अंडा उत्पादन व कम शारीरिक वृद्धि दर, यानी कि जो देसी मुर्गी होती है वो 6 महीने में 3 महीने में ऐसे, मतलब उसको बहुत ग्रोइंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, अंडे देने में भी टाइम लगता है, और इसकी शरीर की वृद्धि दर भी कम होती है अपेक्षा इन दोनों के, ब्रॉयलर और लेयर के। 1 से 1.5 माह में कितना वजन हो जाता है, 1 से 1.5 किलोग्राम वजन, यानी कि 1.5 किलो की 1 से 1.5 माह में हो जाती है। ब्रॉयलर क्या होती है, 1 से 1.5 माह में 1.5 किलो की हो जाती है, ब्रॉयलर का नाम आता है 1 से 1.5 माह के अंदर कितना वजन हो जाता है ब्रॉयलर में, तो ये है 1.5 किलो मांस के लिए पाला जाता है, ब्रॉयलर को किसके लिए, मांस के लिए पाला जाता है, जबकि लेयर को अंडों के लिए पाला जाता है, देसी को अंडा व मांस के लिए दोनों के लिए पाला जाता है। लेयर अधिक अंडा उत्पादन, लगभग 300 अंडे प्रति मुर्गी प्रति वर्ष, लेयर क्या करती है, कितना अंडा देती है, 300 अंडे प्रति मुर्गी प्रति वर्ष, और अंडों के लिए पाला जाता है, जबकि देसी मुर्गी अंडा व मांस दोनों के लिए पाला जाता है। ब्रॉयलर पे आओ, ग्रामीण प्रदेश में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, यानी कि ये एक पोल्ट्री फार्म जो कि बहुत एक सेपरेट जगह पे ही अपन इनको बड़े कर सकते हैं, पाल सकते हैं, क्योंकि गांव में अधिकतम जो बीमारियां होती हैं पशुओं की, जो वो इनको अटैक कर देती है, मतलब इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है गाँव की क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से, मतलब तो ग्रामीण प्रदेश में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, रोग प्रतिरोधकता क्षमता इनकी भी लेयर्स की भी कम होती है, इनको गांव से बाहर आपने देखे होंगे रोड के किनारे सब लोग सर्दियों में मुर्गी पालन करते हैं, उनको लाइट जला के रखते हैं, तो ये सब गांव से बाहर करते हैं ना कि गांव के अंदर, जबकि देसी को अपन गांव में रख सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, अंडे मांस दोनों के लिए पाली जाती है, ठीक है। मुर्गी की नस्ल, मुर्गियों की विभिन्न जातियों में मुर्गी पालन व्यवसाय को ध्यान में रखकर इनमें से चुनाव करना चाहिए, मतलब अगर आप मुर्गी पालन कर रहे हो या मुर्गी से संबंधित कोई रोजगार कर रहे हो, तो उससे पहले अपन को ये जानना चाहिए कि अपने को अंडा बेचना है, मांस बेचना है, या फिर दोनों चीज़ बेचनी है, तो डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्टिव, आपका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य के अनुसार ही आपको ये चीज़ करनी चाहिए। तो अधिक अंडा देने वाली
मतलब अगर अपना फोकस क्या है कि अपने को केवल केवल अंडे बेचने हैं, तो अंडे के लिए अधिक अंडे देने वाली मतलब नस्लों का नाम लिख लो आप, अधिक अंडे उत्पादन वाली नस्लों के टॉपिक डालो, अधिक अंडे देने वाली किस्में कौन, सॉरी नस्लें कौन कौन सी है, तो वाइट लेग हॉर्न, ये एक ही नाम है ध्यान रखना, वाइट लेग हॉर्न और मीनाकार का मीनाकार आदि, और मांस के लिए असील, मांस के लिए असील कॉर्निश वाइट रॉक, असील कॉर्निश वाइट रॉक, और मांस और अंडा दोनों के लिए कौन सी, रोड आइसलैंड रेड और ऑस्ट्रिया लार्फ इत्यादि, ये चीजें आपको याद रखनी है। तीनों के लिख लो, मांस के लिए कौन सी पाली जाती है, व्हाइट लेग हॉर्न, सॉरी अंडे अधिक अंडा देने वाली व्हाइट लेग हॉर्न, इसको हमेशा पूछता है क्वेश्चन कि सबसे सर्वाधिक अंडे देने वाली नस्ल कौन सी, तो व्हाइट लेग हॉर्न, और उसको छोड़ के अगर ये पूछता है तो मीनाकार का भी, तो आपका ये भी आंसर राइट होगा। मांस के लिए ये असील किसके लिए पाली जाती है, तो मांस के लिए टिक करना होता है, या मांस के लिए कौन सी पाली जाती है, असील कॉर्निश, तीनों दे दे, एक लेग वन वाइट दे दे, तो तीनों में से कौन सा कॉलम सही है, एक में दे देगा असील एक, फिर दूसरे में दे देगा कॉर्निश, फिर तीसरे में दे देगा लेग वन वाइट, एक और दोनों तीनों, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, इनमें अंतर भेद आपको जरूर याद होना चाहिए। तो मांस के लिए असील कॉर्निश वाइट रॉक, और मांस और अंडा दोनों के लिए तो रोड आइस, दोनों के लिए तो आपको डबल ट्रिपल नाम याद रखना है, कि अगर मांस और अंडा दोनों के लिए पूछता है तो रोड आइसलैंड रेड ऑस्ट्रिया लॉर्प इत्यादि। ठीक है, चले आगे, लिख लिया हो तो नोट कर लिया होगा आपने। भारत में मुर्गों की नस्लें, भारत में मुर्गियों की प्रमुख नस्लें, असेल असील नस्ल, यह है चिटागोंग नस्ल, और गिरिराज नस्ल, ये कड़कनाथ है जो कि काले मांस के लिए प्रसिद्ध है, ये काला मुर्गा है, ये अंदर से भी इसका चिकन काला ही निकलता है, इसलिए इसे कड़कनाथ कहा जाता है, और इसका चिकन बहुत सॉफ्ट होता है। असेल उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है, असेल का मुख्यतः कहाँ कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश राजस्थान में मुर्गी की नस्ल पाई जाती है असेल, इस नस्ल को मुर्गों का मैदान में लड़ाते हैं, मतलब लड़ाकू मुर्गी भी बोल सकते हो आप, लड़ाकू मुर्गी कौन सी है, तो असेल है, लड़ाकू मुर्गी मुर्गों को मैदान में लड़ाते हैं, इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश राजस्थान में पाई जाती है इस मुर्गी को, नस्ल के मुर्गों को मैदान में लड़ाने के लिए असेल, लड़ने वाली नस्ल कौन सी है, असेल, लड़ने वाली मुर्गों की नस्ल कौन सी है, तो असेल है। मुर्गी का वजन, मुर्गों का वजन 4 से 5 किलोग्राम, जबकि इनकी ये तो मेल और ये फीमेल का 3 से 4, इनकी मुर्गा तो होगा आपका 4 से 5 केजी तक, और मुर्गी हो जाती है 3 से 4 केजी, इसका वेट हो जाता है। गर्दन और पैर लंबे होते हैं, इसकी खासियत क्या है, लिख लो असेल के बारे में टॉपिक लिख लो, कहाँ पाई जाती है, आंध्र प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश, इस नस्ल के मुर्गों को मैदानों में लड़ाने की या लड़ाकू नस्ल के नाम से जाना जाता है। मुर्गों का यानी कि इसके जो नर होता है उसके 4 से 5 की जो वेट होता है, और इसकी जो मादा होती है उसका 3 से 4 किलोग्राम 3 से 4 किलोग्राम वजन होता है। गर्दन और पैर लंबे होते हैं तथा बाल चमकीले होते हैं, इसकी जो रोम्स होते हैं ना हेयर्स, वो क्या होते हैं, ब्राइट कलर के होते हैं, चमकीले होते हैं। अब आ जाओ कड़कनाथ, दूसरी वेराइटी कौन सी है, दूसरी किस्म नस्ल कड़कनाथ, इसका मूल नाम काला मासी, मैंने बोला था मांस काला होता है, इसको क्या, कड़कनाथ का उपनाम क्या है, काला मासी है, कड़कनाथ का उपनाम क्या है, काला मासी लिख लो। कौन सी नस्ल का मांस काला होता है, तो वह है कड़कनाथ, और इसका उपनाम भी, इसका उपनाम भी क्या है, काला मासी, काले मांस वाला पक्षी, मूलतः मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कौन सी कड़कनाथ कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मीट में सर्वाधिक प्रोटीन होता है 25%, इनकी अन्य जो नस्लें हैं मुर्गे की उससे ज़्यादा इसमें प्रोटीन पाया जाता है, जो अन्य नस्लों के मीट से अपेक्षा अधिक है, 25% मीट में प्रोटीन पाया जाता है। मीट का उपयोग कई प्रकार की दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है, देखो खाने के अलावा इसकी जो मीट है
या इसका जो मांस है उसका उपयोग किस किस में किया जाता है? दवाई बनाने में भी किया जाता है। व्यवसाय की दृष्टि से यह नस्ल अत्यधिक लाभप्रद है, प्रतिवर्ष 80 अंडे देती है, जबकि लेगोर्न हाइट 300 अंडे या के समथिंग देती है, जबकि अंडे कितने ओनली 80। तो कड़कनाथ एक अच्छा मतलब बिजनेस के लिए भी आप इसको पाल सकते हो। इसका एक तो मीट लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, अंडे भी ये ठीक ठाक देती है। चलिए आगे चलते हैं। चिट्टागोंग नस्ल, चिट्टागोंग ये नस्ल सबसे ऊंची यानी कि हाइट में सबसे ऊंची पाई जाती है। ये मलयन चिकन के नाम से प्रसिद्ध है। मलय चिकन के नाम से प्रसिद्ध है। मुर्गी का 2 से 2.5 फीट तक लंबा होता है। इसका मुर्गा क्या होता है? लंबा होता है शरीर में, याद रखना। इसका मुर्गा कितना लंबा होता है? 2 से 5 फीट तक लंबा होता है। वजन भी 4 से 5 किलोग्राम होता है। गर्दन और पैर बाकी नस्ल की अपेक्षा लंबे होते हैं। इसके पैर भी लंबे होते हैं। प्रतिवर्ष अंडा देने की क्षमता 70 से 120 है। अब आती है अगली जो नस्ल है, वह है केरी श्यामा। याद रख लेना, केरी श्यामा का क्रॉस ब्रीड है यह, याद रखो। कड़कनाथ और केरी लाल का मिश्रण है, इनकी हाइब्रिड है। तो कड़कनाथ और केरी का एक क्रॉस नस्ल को केरी श्यामा नस्ल कहा जाता है। आंतरिक अंगों में यह गहरा रंग द्रव्य होता है, जिसे मानवीय बीमारियों के इलाज के लिए जनजाति समुदाय द्वारा प्राथमिकता दी जाती है। यानी कि एक ऐसा है कि भील समुदाय द्वारा या जनजाति समुदाय द्वारा इसका जो क्या बोलते हैं, खून की तरह रंग द्रव्य आंतरिक भागों में जो निकलता है उसका उपयोग भी कुछ मानवीय बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। इसका वजन 1 से 1.5 किलोग्राम होता है, जबकि मादा का और नर का भी 1.5 किलोग्राम, इनकी अपेक्षा ये छोटी होती है। बाकी इनकी प्रजनन क्षमता प्रतिवर्ष लगभग 85 अंडे ये दे देती है। वन राजा, वेरी नाइस। वन राजा नस्ल कुक्कुट पालन परियोजना निदेशालय हैदराबाद द्वारा विकसित आदिवासियों क्षेत्रों में पिछवाड़े में पाले जाने वाले के लिए उपयुक्त। पिछवाड़े से समझे मेरी बात, यानी कि घर के पीछे ही अपन क्या करते हैं, इनके रहने के लिए आवास बना देते हैं। अपने जो रोड़ी या कुछ जो वेस्ट लैंड होती है थोड़ी बहुत घर के आसपास, उसमें ही अपना खाना पीना तैयार करके वहीं पे छोटा एक मतलब इनके लिए घर बना देते हैं, या पर पेड़ पर कुछ बर्तन रख देते हैं मतलब। तो ये वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और ये उस वातावरण में सुटेबल हो जाते हैं। ये बहुरंगी यानी कि बहुत रंगील प्रकार की, ये बहुरंगी तथा दोहरे प्रयोजन वाली यानी कि डबल बेनिफिट है इसके। एक तो इसका कलर क्या होता है, बहुरंगी यानी कि ब्लैक व्हाइट नीली मतलब हर कलर में इसका फंक मिल जाता है। दोहरे प्रयोजन वाला यानी कि डबल ब्रीड के नाम से आप डबल प्रॉफिट के डबल लाभ के लिए प्रयोजन वाला पक्षी होने के साथ ही आकर्षक प्रसिद्ध प्लेजियम वाला पक्षी है। सामान्य कुकट रोग के विरुद्ध इसमें बेहतर प्रतिरक्षा, यानी कि जो कुकुट रोग होते हैं मुर्गियों में उसमें इसके मतलब प्रतिरक्षा, यानी कि प्रतिरक्षा इसके अंदर बेहतर है ज़्यादा। मुर्गी के अंडे जनन का चक्कर 180 से 180 अंडे एक चक्कर में होते हैं। हल्के वजन लंबी टांगों के कारण परपक्षी अपने रक्षा करने में असफल होते हैं। मतलब ये क्या है, बहुत तेज उड़ान भरती है और ये लंबी उड़ान भर लेती है। ये है मतलब वन राजा लिख लिया होगा। आगे चले, भारत में उपलब्ध मुख्य विदेशी नस्लों का परिचय। विदेशी नस्लें कौन कौन सी है और यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है आपके अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड कृषि पर्यवेक्षक के पेपर में पशुपालन के भाग में। तो आप ये फर्स्ट में जो क्वेश्चन देख रहे हैं इस टेबल में से, यानी कि लेगहॉर्न जो ये पेरा है ना, ये वाला स्लाइड का, इसमें से एक लाइन उठ के सीधी आ रही है आपके पेपर में। या तो लेगहॉर्न के बारे में पूछेगा कहाँ की नस्ल है, इसका ओरिजिन कहाँ है, विश्व की सर्वोत्तम सबसे लोकप्रिय अंडा उत्पादक नस्ल कौन सी है, लेगहॉर्न जो कि विदेशी नस्ल है, ठीक है।
मुर्गी तथा मुर्गा का औसत बार 2.4 से 2.7 तथा मुर्गी यानी कि जो फीमेल होगी उसका 2 से 2.3 किलोग्राम होता है। लेगोन लगभग 200 अंडा या अधिक अंडे प्रति वर्ग वर्ष, यहाँ पे लाइन मुझे लग रही है थोड़ी मिस हो गई है, पर ये 200 से 300 अंडे प्रति वर्ष देती हैं, ये याद रखना। रोड आइसलैंड आइलैंड रोड आइलैंड रेड ये ऐसी होती है, देख लो ये सबसे ज़्यादा तो ये पाली जाती है जिसके रेड आगे वाला सिर होता है और वाइट कलर की होती है, ये बहुत अंडे देती है। अब आती है ये आगे रोड आइलैंड रेड, ये अंडा और मांस दोनों के लिए उत्पादन के लिए अच्छी समझी जाती है। ये बुरे रंग की अंडे देती है, कौन से कलर के, ब्राउन कलर के अंडे देती है रोड आइलैंड रेड, यानी कि ब्राउन कलर के अंडे देती है, ये बुरे रंग के अंडे देती है। मुर्गी तथा मुर्गे का औसत बार 3 से 3.8 किलोग्राम होता है, इसका औसत उत्पादन 190 अंडे प्रति वर्ष होता है। ऑस्ट्रोलॉर्प ये भी दोनों के लिए पाली जाती है, मांस और अंडा के लिए। प्लाईमाउथ रॉक ये अमेरिका की मांस के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय है। और कॉर्निश ये इंग्लैंड में मांस के लिए सबसे लोकप्रिय प्रसिद्ध नस्ल है। कॉर्निश का नेटिव यानी कि इसका मूल स्थान कहाँ है, कॉर्निश का तो इंग्लैंड है, ये याद रख लेना। फार्म खोलने के लिए स्थान का चयन, अगर आप फार्म पोल्ट्री से संबंधित तो अगर बिजनेस करना चाहते हो तो चलो आगे चलते हैं, सॉरी। फार्म खोलने के लिए यहाँ से आपको शायद क्वेश्चन पूछ ले तो पूछ भी सकते हैं, लेकिन सड़क से जुड़ा होना चाहिए, मैंने पहले बताया। बिजली पानी की व्यवस्था उचित होनी चाहिए, अंडे मांस आसानी से सही दामों पर बेचा जा सके, अन्य सुविधाएं जैसे दाना दवाई इत्यादि उपलब्ध हो, हवा के आगमन की व्यवस्था हो, अच्छी धूप शेड नेट तक आती हो, हवा का रुख शेड की और ना हो, तो ये सा एक आपको रोड के किनारे देखने को मिले होंगे, सबने देख रखे होंगे मुर्गी पालन के जो घर होते हैं वो ऐसी साइज के होते हैं। मुर्गियों की गृह व्यवस्था कैसे, अब इस पे से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। लगभग 1 से 1.15 वर्ग फुट जगह में एक मुर्गी के लिए उच्चतम आकार कितनी भूमि की आवश्यकता होती है, एक मुर्गी पालन के लिए, तो ये नोट करो, एक मुर्गी पालन के लिए देश कितना, 1 से 1.5 वर्ग मीटर, यानी कि आप आइडिया लगा लो कि 100 के लिए कितना है, अब इससे मल्टीप्लाई कर लेना। तो एक मुर्गी के लिए कितनी जगह होनी चाहिए, 1 से 1.5 वर्ग फुट जगह एक मुर्गी के लिए काफ़ी है। 100 मुर्गी पालने के लिए आपके पास 100 से 150 वर्ग फुट यानी कि 100 से 150 वर्ग मीटर वर्ग फुट जगह की आवश्यकता होती है। यहाँ से नोट कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है बहुत, क्योंकि पिछली बार गायों के लिए पूछ रखा है कि एक गाय के लिए औसतन पालने के लिए कितनी जगह होती है, तो वो जरूरी नहीं वहीं से क्वेश्चन आएगा, लेकिन पशुपालन में ही इसका काउंट होता है, तो यहाँ पे भी आप मुर्गी पालन की तरफ जा सकते हैं क्वेश्चन में पूछने के लिए। शेड लंबाई पूर्व से पश्चिम की दिशा में होनी चाहिए, यानी कि शेड के जो पूर्व की से पश्चिम है, ना कि पूर्व से पश्चिम की तरफ, मतलब उसका ये इसमें सीधा दिखाई दे रहा है, उधर सूर्य उदय होता है इधर अस्त होता है, तो इस स्थिति में ही आप उसका चुनाव करें, मतलब शेड नेट को शेड को तैयार करें। शेड की साइड की ऊंचाई फर्श से 8 से 10 फुट होनी चाहिए, कितनी, 8 से 10 फुट, ये जो दिख रहे हो ये मैं एरो घुमा रहा हूँ, यहाँ पे 8 से 10 फुट का ही गैप होना चाहिए, है ना, ठीक है। बीचों बीच ऊंचाई परस से 14 से 15 यानी कि जो सेंट्रल की जो लोकेशन जो सेंट्रल की ऊंचाई है ना बीच वाली वो हुटी हुई होनी चाहिए, और यहाँ की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए 14 से 15 फीट होनी चाहिए। इसका रीजन है कि हीट जल्दी से नीचे नहीं आए, अगर ठंड भी पड़ती है तो जल्दी से नीचे नहीं आए, ठीक है। और अगर ऊपर से बारिश होती है तो आपको पता है कि बारिश का पानी भी तुरंत बाहर निकल जाए ऊपर से। अधिक गर्म स्थानों पर 3 फीट ऊंची दीवार तथा ऊपरी जाले द्वारा ही शेड बंद किया जा सकता है, यानी कि अगर ज़्यादा गर्मी है तो 3 फीट तक। शेड नेट के अंदर बिजली के बल्ब, ये तो जले हुए सबने देखे होंगे। मुर्गी का दाना खाना पानी के बर्तन पानी की टंकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए, नॉर्मल है।
ये भी देख लो, एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, एक शेड से दूसरे शेड में थोड़ा दूरी बनाई, कारण एक लंबे शेड को बराबर दो भाग में दीवार बनाकर एक बांट सकते हैं मुर्गियों के लिए शेड पर ज्यादा व्यय ना हो। मुर्गी शेड में सामान्य तापमान लगभग कितना 77 से 75 फारेनहाइट के बीच रहना चाहिए, नमी 60% रहनी चाहिए। यह प्रकार शेड किस तरह बनाए जाते हैं, तो सीधे जमीन पर ऐसे पालते हैं। दूसरा है पिंजरे टाइप, अगर पिंजरे में आप रखते हो तो ऐसे, और आंगन इनमें पिछवाड़ा या आंगन में भी ऐसे पाल सकते हो, उनमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, किसे भी छोड़ सकते हैं। एक पिंजरा टाइप है और एक जो शेड ज़मीन पर बनाए जाते हैं, और ये पिंजरा में बनाया जाता है। प्रकाश व्यवस्था, यहाँ पर भी देख लो, 100 वर्ग फीट यानी कि 100 मुर्गियों के लिए 60 वाट का बल्ब आवश्यक है। कितना? 100 वर्ग फीट जगह में 60 वाट का बल्ब आवश्यक है। बल्ब ट्यूबलाइट दीवारों के पीछे छत पे लटकानी चाहिए। सफ़ेद प्रकाश मुर्गी के लिए उपयुक्त है, और लाल रंग के प्रकाश का उपयोग केना बेल्जियम को रोकने में किया जाता है, एक रोग होता है उसको। रोशनी के लिए बिजली पॉइंट जमीन से 7 से 8 फीट ऊंचाई पर होनी चाहिए। ब्रॉयलर को कितना घंटा प्रकाश चाहिए, लेयर को कितना चाहिए? तो अगर आप जो मांस के लिए जो पाल रहे हैं उनके लिए 1 से 7 दिन में के जो बच्चे होते हैं 1 से 7 दिन के, उनको 23 घंटे प्रकाश की, यानी कि नाइट में भी उन्हें लाइट चाहिए, यह याद रखना। कितने छोटे बच्चे हैं 1 से 7 दिन के, तो उन्हें 23 घंटे तो कम से कम प्रकाश की चाहिए। ब्रॉयलर को कितना चाहिए टेम्परेचर, मतलब प्रकाश 23 घंटे। इसके अलावा अगर 7 से 42 दिन का है बच्चा, तो उसको 16 से 18 घंटे चाहिए। लेयर जो मांस के लिए पाली जाती है, अंडे, ये जो ब्रॉयलर जो अंडों के लिए पाली जाती है, मांस के लिए पाली जाती है, लेयर्स, थोड़ा एक मिनट मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी, हो जाता है ऐसा, वन मिनट। ब्रॉयलर यानी कि सारे मांस के लिए, ब्रॉयलर मांस के लिए और लेयर्स अंडों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको किसको किस कितना, तो इसके लिए मांस वालों के लिए 23 घंटे चाहिए, जबकि अंडे अंडा जो देता है उसे 1 से 2 सप्ताह के लिए 23 घंटे अवकाश प्रकाश चाहिए, और जबकि 2 से 19 सप्ताह के बीच में 9 से 11 घंटे, और 20 से 72 सप्ताह में 16 से 17 घंटे प्रकाश उनको चाहिए। प्रमुख ध्यान देने की बात, एक शेड में एक ही उम्र के चूजे रखे जाएँ, मतलब अलग अलग उम्र के चूजे ना ही रखें, पूरी सफाई के लिए लाएं। शेड निरंतर जूते चप्पल ये छोड़ो, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ब्रूडिंग क्या होती है, इस पे से क्वेश्चन उठ सकता है। ब्रूडिंग, हेचरी से ताजा निकले गए चूजों को साफ फार्म पर लाने पर शारीरिक तापमान बनाए रखने के लिए ब्रूडिंग की आवश्यकता पड़ती है। ब्रूडिंग क्या होती है ये पूछ लेता है, तो ये चूजे पालने की या चूजों को गर्मी देने की एक विधि है। क्या है, बच्चों को जो चूजे होते हैं ना इसके मुर्गियों के, उनको गर्म, मतलब गर्मी देना यानी कि उनको हीट देना ब्रूडिंग कहलाता है। नए चूजों को स्थानीय जलवायु के अनुसार 6 से 8 सप्ताह तक ब्रूडिंग की आवश्यकता होती है। कितने सप्ताह ब्रूडिंग की, 6 से 8 सप्ताह तक ब्रूडिंग की आवश्यकता पड़ती है। अच्छी ब्रूडिंग के लिए मृत्यु दर में कमी आ जाती है, यानी कि अगर आप उनको टेम्परेचर पे नहीं रखोगे तो उनमें अच्छी ब्रूडिंग से क्या होता है, मृत्यु दर में कमी हो जाती है, चूजों की वजन में वृद्धि होती है। ब्रूडेजर का आकार चूजों की संख्या के आधार पर होना चाहिए। ये खाना दे रहे हो आप, ये मतलब उसको हीट के लिए। पांच फीट व्यवस्था वाले ब्रूडर में लगभग 200 से 250 अंडे को रखा जा सकता है। इनकी इस जगह में कितने, एक ब्रूडर के अंदर या 5 फीट व्यवसाय वाले ब्रूडर में 200 से 250 चूजों का रखा जाता है। फर्श पर 1 से 2 इंच बुरादा बिछाकर ऊपर से एक बार नीचे क्या करोगे, पहले बुरादा बिछाओगे, उसके बाद अखबार बिछाओगे, फिर उसको ढक देते हैं। जरूरी ताप बनाए रखने के लिए हीटर या बिजली का बल्ब यानी कि 100 से 200 वाट का उसके ऊपर यहाँ जला देते हैं। विटामिन ए डी कॉम्प्लेक्स ये उनको खिलाते हैं, ये ध्यान रखना। फीडरों में चूजे को 5, ये नहीं पूछने वाला आपसे, पर
ब्रूडिंग ब्रॉयलर को ये टेबल नोट कर लो आप, कितना टेम्परेचर चाहिए, कमरे का आकार कितना चाहिए, कितने हफ्ते तक उनको प्रकाश चाहिए। मुर्गी दाना आर, मुर्गी पालन में शुरुआती के लोगों के 60-70% दाना व्यय होता है, इनकी सबसे ज्यादा वो दाने ही यूज करती है। मुर्गियां क्या खाती है? दाने, प्रोटीन, ऊर्जा, विटामिन, खनिज पदार्थ जिसे पर्याप्त अनुपात में मात्रा में उपलब्ध रहे, अपितु दाना सस्ता भी हो। इनकी ऐसा नहीं कि आप उसको सोयाबीन खिला रहे हो बहुत महंगी है जो जैसे अरहर खिला रहे हो तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि वो जैसे मक्का हो गई तो हल्की जो मतलब लो प्राइस वाला हो फूड उसका। अंडे देने वाले ब्रॉयलर आयु चूजे बड़ी हुई मुर्गियां व्यवस्थक गर्भावस्था और अंडे उत्पादन वजन वृद्धि के क्षमता अनुसार दाने की आवश्यकता होती है। यानी कि जैसे जैसे मुर्गी का वजन बढ़ता है या उस मुर्गियों में अल्फाटॉक्सिन के प्रति बहुत संवेदनशील होती है, फीड बनाते समय कभी भी सड़े हुए मक्का यानी कि मेज का उपयोग नहीं पर अगर अल्फाटॉक्सिन अगर उसकी मक्का में हुआ एक केमिक मतलब जहरीला पदार्थ उपदन हो जाता है तो इससे खाने से मुर्गियों में बीमारी हो सकती है। तो इसको आप ये ध्यान रखें कि सड़ी हुई मक्का को ना खिलाएं। सप्ताह में एक बार फीडर और डिंकर को साफ करें, यानी कि जो उसका खाना दाने का स्थान है उसको साफ करना चाहिए। अंडा देने वाली मुर्गी है तो आहार प्रबंधन, चिकन फीड 4 हफ्ते में कितनी प्रोटीन होनी चाहिए, इसको 22% देना चाहिए, कैल्शियम 1% देना चाहिए। ग्रोवर फीड में कितना देना, 4 से 6 सप्ताह के लिए 18 से 20% और 1% कैल्शियम देना चाहिए। लेयर फीड को 6 महीने बाद 18 से 16% प्रोटीन मात्रा और 4% कैल्शियम होता है। अंडा देने वाली मुर्गियों को प्रतिदिन 4 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना, नोट कर लेना। अंडा देने वाली मुर्गियों को प्रतिदिन 4 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। एक चूजे को 60 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होनी है, यानी कि खाना टोटल खाना आ गए एक अंडा एक चूजा को न्यूनतम 60 ग्राम। एक अंडा देने वाली मुर्गी को प्रतिदिन 130 से 140 ग्राम फीड की आवश्यकता होती है। यहाँ पे भी फीड की आवश्यकता होती है, यहाँ फीड आएगा ध्यान रखना, 60 ग्राम फीड की आवश्यकता होती है, एक चूजे को 60 ग्राम फीड की आवश्यकता होती है। ब्रॉयलर मुर्गियों तो आर यानी कि ब्रॉयलर का क्या काम है, मांस के लिए यूज करते हैं ना, तो सबसे पहले 23% प्रोटीन देना चाहिए, उसका जो फीड है आर है, 1% कैल्शियम देना चाहिए स्टार्टर फीड में 2 से 3 हफ्ते, 22% प्रोटीन देना चाहिए 1% और प्रत्येक पक्षी को 0 से 6 सप्ताह तक लगभग 4 किलोग्राम फीड का उपयोग किया जाता है। ये देख लो आप, ये यदि चीजें खिलाते हैं, मक्का खिलाते हैं, मूंगफली खिलाते हैं, सोयाबीन की खल, राइस पॉलिश और खनिज मिश्रण, नमक, विटामिन, मार्बल, चिप्स, तो ये है उनका एक शेड्यूल है, तो आप घरेलू फीड का ये देख सकते हैं। जैसे मूंगफली की खल हो गई, सोयाबीन की खल हो गई, राइस हो गया, इनमें सब में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, दलहनी फसलों में मार्बल चिप्स हो गया, खनिज मिश्रण हो गया, विटामिन हो गया, तो ये चीज़ें आपको खिलानी होती है। विटामिन्स कैल्शियम ये चीज़ें आती हैं, तो इनको भी आप अजोला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वर्तमान में मतलब इसका बहुत बड़ा रोल बढ़ रहा है फसलों में, सभी जगह अजोला अजोला होता है। तो शैवाल से मिलती जुलती पानी में तैरने वाली फर्न है, क्या है, एक प्रकार की पानी में तैरने वाली फर्न है। मुख्यतः इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, एमिनो एसिड, विटामिन, कैल्शियम, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीशियम होते हैं। प्रतिदिन 10 से 12 ग्राम प्रति मुर्गी की दर से दिया जाता है, यानी कि एक मुर्गी को कितना ग्राम एजोला खिलाया जाना चाहिए, 10 से 15 ग्राम एक मुर्गी को कितना एजोला खिलाया जाना चाहिए, 10 से 15 ग्राम इसमें से देख लेना। पीने का पानी, मुर्गी को 1 किलो दाना खाने पर 2 से 3 लीटर पानी पीता है, नोट करने की चीज़ है। एक मुर्गी 1 किलो दाने खाने पर वो नहीं खाती, लेकिन एवरेज बता रहा है, 1 किलो दाना खाने पर 2 से 3 लीटर पानी पीता है। गर्मियों में पानी का पीना दोगुना हो जाता है, जितने सप्ताह का चूजा उसे दोगुना करने जो मात्रा आएगा वही मात्रा पानी प्रति 200 चूजों को खपत होगी, जैसे पहले ये कैलकुलेशन दे रखी है। यह है दाना और पानी के बर्तनों की जानकारी, क्या क्या रख सकते हैं ये देख लो आप, इनको क्या क्या बोलते हैं, ट्यूब फीडर है, ट्रॉन्ग फीडर है, ऑटोमेटिक फीडर है, निप्पल टाइप ड्रिंकर है पानी का है मतलब, फाउंडेशन टाइप ड्रिंकर है पानी का, ये भी ये इधर देखो सॉरी ये भी पानी का है, ये में पानी रहता है, इसमें भी पानी, ऑटोमेटिक फीडर ये भी पानी का है, इसमें पानी पीते हैं।
स्क्वायर बॉटम फीडर ये भी खाने का है उनका। मुर्गियों में होने वाले रोग, भाई साहब यहाँ आ जाओ, आपका फुल माहौल बनेगा और ज़्यादा क्लास तो लंबी होगी लेकिन ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके दो या तीन क्वेश्चन तो आराम से आ जाएंगे। तो मुर्गियों में होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? मुर्गियों में संक्रामक बीमारियां विषाणु, जीवाणु, फफूंद, परजीवों, प्रोटोजोआ से होती है। इनकी क्या क्या कारण है बीमारियों के? एक तो वायरस है, एक जीवाणु है, एक फफूंद है और एक परजीवी प्रोटोजोआ से होती है। इसके अलावा अनाज, इसके अलावा क्या कारण हो सकते हैं? अनाज इनकी जो उसको खा रहे हैं उसमें, मतलब जो उसको खाने के लिए जो अपन देते हैं आहार, पॉइजन मतलब एक केमिकल पॉइजन जो बहुत खतरनाक पॉइजन होता है, तत्वों की कमी से भी बीमारियां हो सकती है। अस्वस्थ मुर्गियों के लक्षण, यानी कि मुर्गियों की पहचान कैसे करें? अगर कोई मुर्गी बीमार है तो उसके लिए अपन को क्या करना चाहिए और कैसे उसको देखना चाहिए? वजन में कमी होती रहेगी, रेगुलर क्या होगी? वजन में कमी आएगी। अगर मुर्गी का वजन में कमी हो तो मुर्गियों का सुस्त रहना, यानी कि शांत रहती है, हल्ती मतलब इधर उधर नहीं भगेगी, बहुत कम चलेगी। सांस लेते समय व्याकुल होना, यानी कि दूसरा शारीरिक ताप में कमी या अधिक होना, यानी कि उसका टेम्परेचर भी, हार्ट जो शरीर का टेम्परेचर, या तो कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा। नासिका म्यूकस, नेत्र स्त्रु नेत्र यानी कि आंखों में आंसू, सूजे हुए, पेट फूला हुआ, जल से भरा हुआ। अस्वस्थ मुर्गी कलंगी, पीले नीले रंग की सिकड़ी हुई, यानी कि जो हेड के ऊपर कलंगी होती है गुलाबी कलर की, अलग अलग कलर की, तो वो क्या होगी? कलंगी पीले या नीले रंग की सिकड़ी हुई मुरझाई हुई होती है। कलंबल में सूजन हो जाती है, यानी गले में भी सूजन आ जाती है। मुर्गियों को अधिक प्यास लगे, वो अनियमित आहार लेने लगे या आहार लेना बंद कर दें, ये भी एक उसके बीमार के लक्षण है। मुर्गियों में बीट का रंग हरा या पीला सफ़ेद होना, फिर दस्त का पतला बीट के रूप में होना, यानी कि फीट जो करती है, बीट अपन फीट बोलते हैं, इधर बीट लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो जो कलर का चेंज होना, पीला हरा ये चेंज, दस्त लगना, ये भी एक उसकी बीमारी का लक्षण है। रोग के स्रोत कहाँ कहाँ से इसमें रोग हो सकते हैं? एक तो हैचरी, फीड, पानी, बीट, मनुष्य, औजार, चूहे, जंगल और कीट, इनके कारण उसको रोग होते हैं। रानीखेत लिख लो, रानीखेत एक्सप्रेस नहीं है, ये एक क्या है? बीमारी है। रानीखेत क्या है? बीमारी है। रानीखेत एक्सप्रेस ट्रेन है तो आप वहाँ नहीं जाइए। ये हर उम्र की मुर्गियों या पक्षियों में होने वाला रोग है। रानीखेत कभी भी ऐसा नहीं है कि चूजों में होता है या ब्रॉयलर में होता है, वो उसमें होता है, ये सारी उम्र है, एक से हफ्ता से ओल्ड होम तक, यानी कि ओल्ड एज होम यानी कि लास्ट जो स्टेज होती है वहाँ तक की मुर्गियों में होता है। ये रोग सांस की बीमारी, आंत की बीमारी अथवा लकवा के लक्षण जैसा पैदा करता है, क्या करता है? सांस में प्रॉब्लम होती है, आंतें फूल जाती है, लकवा के जैसे गिर जाते हैं ऐसे। अंडे देने वाले मुर्गियों में अंडा देना बंद कर देती है अगर रानीखेत बीमारी हो गई तो। इसके बचाव में F1 या B1 का टीका लिख लो। रानीखेत के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो F1 या B1 का टीका किस रोग के नियंत्रण के लिए लगाया जाता है? रानीखेत के रोग के नियंत्रण। टीका 5 से 6 दिन में चूजों की आंखों में डालें। क्या करते हैं? 5 से 6 दिन का अगर चूजा है तो उसकी आंखों में क्या डालें? F1 या B1 का टीका 5 से 6 दिन की चूजों पर आंखों में डालें या पिलाएं। 21 से 22 दिन पर लासोटा का टीका पिला सकते हैं। इसके अलावा अगर 22 दिन बाद में लासोटा का टीका आता है वो भी आप इसको पिला सकते हैं। चलिए आगे रानीखेत के बारे में। मेरिक ये भी एक प्रकार की डिजीज है, मुख्य लेयर अथवा ब्रीडर मुर्गियों की बीमारी है। लेयर अथवा ब्रीडर मुर्गियों की बीमारी है, दो प्रकार की होती है। शरीर के अंगों में ट्यूमर्स कैंसर हो जाती है, यानी कि इसके अंगों में कैंसर हो जाती है। क्या होती है? इसके अंगों में कैंसर हो जाती है। लंगड़ापन जिसमें नसों का प्रकोप होने पर मुर्गी धीरे धीरे सूख कर मर जाती है, यानी कि वो ड्राई हो जाती है। वैसे ये दिखाई दे रहा होगा आपको।
गिरे हुए पक्षों में इसके विषाणु काफी मात्रा में होते तथा दूसरों पक्षियों को खा जाते हैं और ये रोग ज्यादा फैल जाता है। बचाव का टीका है HVT। HVT का टीका कौन सा है, जो कि हेरिक बीमारी के लिए पहले ही दिन हेचरी में ही लग जाता है, इसे फर्स्ट दिन में ही अपन लगा देते हैं। पाउल फॉक्स, ये भी खतरनाक बीमारी है, मुर्गियों में होती है। पाउल फॉक्स बीमारी किसमें होती है, मुर्गियों में। ये बीमारी मुर्गियों छोटी में पुंछियाँ हो जाती हैं। क्या होती है, पुंछियाँ, ये दिख रहे हो आप, ये पुंछियाँ हो जाती है। आँख की पुतलियाँ व सिर की त्वचा पर आसानी से देखा जा सकता है ये भी एक वायरस जनित है। पाउल फॉक्स ये वायरस जनित, ऐसे भी पूछ सकता है, वायरस जनित पाउल फॉक्स कौन सा रोग है, तो विषाणु जनित ही आवे है, तो ये है वायरस विषाणु जनित जिसका संक्रामक तेजी से फैलता है। गंबोरो, ये 3 से 4 हफ्ता में ब्रॉयलर में मुर्गों में ज्यादा होता है। रोग रोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। बीट का रंग यानी कि फीट का रंग सफेद हो जाता है। ये प्रकोप पिछले फ्लॉक में हुआ है, जो कि ये आपसे नहीं पूछने वाला। बर्ड फ्लू, इसको बहुत शानदार तरीके से देख लो, इस स्लाइड में है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। ये किससे होता है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस की वजह से बीमारी फैलती है। बर्ड फ्लू किससे फैलता है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस की वजह से ये बीमारी फैलती है। यदि एक मुर्गी में कोई ये संक्रमण होता है तो दूसरी मुर्गियों में बीमार पड़ने लगती है। लक्षण, मुर्गी सिर गर्दन सूजन आ जाती है, अचानक अंडे देना क्षमता कम हो जाती है, मुर्गी खाना पाना बंद कर देती है, मुर्गी तेज मरने लगती है। बचाव, बर्ड फ्लू का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, इसे बचाओ, बीमारी के बचाव ही एकमात्र उपाय, यानी कि अभी तक बर्ड फ्लू का कोई टीका नहीं है, यह याद रख लेना। ई कोलाई, ये भी एक प्रकार का कीटाणु मुर्गों में बीटों में बहुत मात्रा में होता है। चलो ठीक है, ई कोलाई कोर्डियोसोस, इसको भी नहीं पूछने वाला। कर्मी रोग, उसके अंदर सूत्र कर्मी जैसे होते हैं तो ये हो जाता है। फंगस है, माइटोटॉक्सिन है जो ये खाने से फैलती है। ट्रिस्ट रोग है, बचाव के उपचार है। बायोसिक्योरिटी, प्रजनन, दो मुर्गियों का चयन, इसको रहने दो। देख कैड मुर्गी मुर्गी बचाव के टीके कौन कौन से, कौन से ये देख लेना, ठीक है, इनमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टीकों की तालिका है, कब कौन सा लिखता है ये देख लो। थैंक यू, धन्यवाद।